Hey, what's up guys, Rishabh here, और इस वीडियो में हम देखेंगे 6 awesome hidden Android features and tricks. So yes, without any further delay, let's get started. The first one is floating window. इसको enable करने के लिए सबसे पहले आपको developer option पे जाना है, जिसके लिए आपको build number को 4 to 5 time press करना है, जिससे आपका developer option enable हो जाएगा. उसके बाद आपको simply setting पे जाके, advanced setting पे जाके developer option को open करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे एक feature को search करना है, जिसका नाम है enable freeform windows. But अगर आप already Android 10 या 11 पे है, तो ये step करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आपको सिंपली इनेबल फ्रीफॉर्म विंडोज़ को ओपन करना है और अपने फ़ोन को रिबूट कर देना है. रिबूट करने के बाद आपको सिंपली होम बटन पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको सिंपली ऐप आइकन पे क्लिक करना है, तो आपको एक नया फीचर दिखेगा फ्रीफॉर्म. सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऐप है वो एक फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगी, जिसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ऑडियो बैलेंस. अभी एक बहुत ही बेसिक सा ओल्ड फीचर है, पर बहुत से लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं. तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेसिबिलिटी पे आना है. फिर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको एक फीचर दिखेगा जिसका नाम है ऑडियो बैलेंस. अब ये फीचर क्या है, तो ऐसे आपके साथ बहुत बार होता है कि आपका एक ईयरफोन में से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, एक ईयरफोन में से कम आवाज़ आ रही है. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको बैलेंस कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट में आपको ज़्यादा वॉइस चाहिए या राइट में ज़्यादा वॉइस चाहिए, तो आप इसको सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं और आपको ईयरफोन में वैसा ही आउटपुट देखने को मिलेगा. एंड गाइस, इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गॉट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियोस. नेक्स्ट वन इज टैप टैप गेस्चर. सो अभी रिसेंटली एंड्रॉयड 11 और आईफोन 12 के साथ एक न्यू फीचर लॉन्च हुआ था, जिसकी मदद से आप फ़ोन के बैक में दो बार टैप करके किसी भी एक्शन को ट्रिगर कर सकते थे. सो सिमिलर सा फीचर आपको किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है और जितनी भी वो परमिशंस मांग रहा है वो सब आपको अलाउ कर देनी है. उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन शो करेंगे, लाइक गेस्चर, जिसके थ्रू आप सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो कि कितनी लाइटली टैप करने से आपका एक्शन ट्रिगर हो. साथ ही में आपको यहाँ पे डबल टैप एक्शंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर एक्शन को लॉन्च कर सकते हो. साथ ही में आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका डिस्प्ले ऑन हो या डिस्प्ले ऑफ हो, तभी ये फीचर वर्क करे, ये भी सेट कर सकते हो. साथ ही में आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें लॉन्च करने का ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आप कैमरा और सर्च लॉन्च कर सकते हो. साथ ही में किसी भी एप्लीकेशन को भी आप लॉन्च कर सकते हो और किसी भी शॉर्टकट को भी लॉन्च कर सकते हो. और साथ ही में आपको यहाँ पे ट्रिपल टैप का भी एक्शन मिलेगा कि ट्रिपल टैप पे भी आप किसी भी चीज़ को लॉन्च कर सकते हो. सो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इनेबल गेस्चर को ऑन कर देना है. फिर जैसे ही आप दो बार टैप करेंगे तो जो भी एक्शन आपने सेट किया था वो इनेबल हो जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ अ क्विक सिंपल हैक फॉर गूगल कीबोर्ड एंड क्रोम. सो ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आप गूगल वॉइस टाइपिंग यूज़ करते होंगे और जिस भाषा में आप बोलते होंगे उसकी वजह इंग्लिश में टाइप हो जाता होगा. फॉर एग्जांपल, मैंने हिंदी में बोला था पर ये इंग्लिश में टाइप हो गया. सो इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड की सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको लैंग्वेज पे जाना है. और आफ्टर गोइंग टू लैंग्वेज आपको यहाँ पे ऐड कीबोर्ड पे प्रेस करना है. और ऐड कीबोर्ड के बाद आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको गूगल वॉइस टाइपिंग यूज़ करनी हो. सो मैं यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन पे प्रेस कर देता हूँ. फिर डन पे प्रेस करने के बाद आपको बाहर आ जाना है. और जैसे ही आप बाहर आके गूगल वॉइस टाइप यूज़ करोगे, उससे पहले आपको कीबोर्ड को चेंज कर देना है. ग्लोब आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड स्विच हो जाएगा. और स्विच करने के बाद आप जैसे ही वॉइस टाइप यूज़ करोगे तो वो उसी भाषा में टाइप करेगा जिसका कीबोर्ड आपने सेलेक्ट किया था. सो जैसा कि देख सकते हैं, इसने हिंदी में टाइप किया. नेक्स्ट वन इज़ अ वेरी सिंपल टिप फॉर क्रोम. सो जब भी आप क्रोम यूज़ करते होंगे और आप किसी भी आर्टिकल को कॉपी करके अपने मैसेज या व्हाट्सएप पे सेंड करना होता होगा, सो आप डायरेक्टली कॉपी करने के बजाय देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर इट. आपको क्रोम को सिंपली स्प्लिट स्क्रीन में खोलना है और जो भी सेकेंडरी ऐप है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप, तो मैं व्हाट्सअप को खोल लेता हूँ. उसके बाद आप जब भी जाएंगे और किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे क्रोम से, तो आप डायरेक्टली उसे ड्रैग कर सकते हैं और उसको ड्रैग करके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं. वेरी सिंपल एज दैट.
नेक्स्ट वन इज स्क्रीन डीपीआई। सो हेयर्स वेरी सिंपल ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को टैबलेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन पे अगेन पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन को ढूंढना है जिसका नाम है स्क्रीन विड्थ और उसको सिंपली 600 पे सेट कर देना है। बट हेयर इज़ वेरी बिग वार्निंग गाइस, आपको 600 से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी सेट नहीं करना है। वेरी बिग वार्निंग मैं एक और बार दे रहा हूँ, इससे आपका डिवाइस ब्रेक हो सकता है, फिर आपको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ सकता है। सो इसको 600 भी क्या उससे कम ही सेट करके देख लेना, 500 सेट करके देख लेना, अगर चल जाता है तभी 600 यूज़ करना, पर 600 से ज़्यादा मत करना वरना आपका डिवाइस ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे 600 या उससे कम का यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन एक जितने भी टेक्स्ट होगा वो सब स्मॉल हो जाएंगे और आपका फ़ोन टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जैसा कि देख सकते हो मेरे उसमें एकदम टैबलेट यूआई दिख रहा है और यूट्यूब और किसी भी ऐप को यूज़ करोगे तो वो भी आपको टैबलेट फॉर्म में ही दिखेगा। सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इट। एंड हियर इज़ अनदर ट्रिक, आप इसको बढ़ाने के साथ साथ कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 300 सेट कर सकते हो, इससे अगर आपको टेक्स्ट देखने में परेशानी हो तो आप इसको बड़ा कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी सी यूज़फुल ट्रिक है। एंड द लास्ट वन इज़ नोटिफिकेशन LED। सो अभी बहुत से नए फ़ोन्स आ रहे हैं जिसके साथ नोटिफिकेशन LED मिसिंग है। सो वॉट यू कैन डू, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जिसकी मदद से आप ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशन LED पा सकते हो। सो सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद जितनी भी परमिशन है उसे ग्रांट कर लेनी है। आफ्टर दैट आपको ऐप को ओपन करना है और उस ऐप को सर्च करना है जिसमें आप नोटिफिकेशन LED चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे व्हाट्सअप को सर्च कर लेता हूँ। आफ्टर दैट आपको व्हाट्सअप को इनेबल कर लेना है। आफ्टर दैट ये आपसे पूछेगा किस कलर की नोटिफिकेशन LED आप चाहते हो, तो मैं इसको येलो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा। सो इट्स वेरी सिंपल एंड प्रीटी कूल ट्रिक, यू मस्ट ट्राई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। साथ ही में अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्योरी और सजेशन देन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कैच यू in the next one.